बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो हैं ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग टिल इवनिंग रूटीन के मैं क्या कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे, थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। तो मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी कि मैं यहाँ पर मिल्क शेक बना रही हूँ। किसी भी उससे आप फ्रूट से आप मिल्क शेक बनाइए जिससे आप लोग की इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। बेबी जो है वो टैबलेट और बेबी, आजकल के बच्चे भी इसी तरह के हो गए हैं। सो ये गन सारा इसने मचाया हुआ है और अभी ये मैं क्लीन करूँगी। बेडशीट मैंने चेंज कर ली है। उस कमरा क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ, लेकिन ये एक बेबी की फ़्रॉक है और मेरा एक सूट है जो कि बस मैंने अभी वॉश करना है हाथ के साथ, क्योंकि ये इस तरह के कपड़े मैं ज़्यादातर हाथों से ही वॉश करवाती हूँ, मेड से करवाती हूँ। लेकिन चूंकि आजकल जो है वो उनको हमने फारिग किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे मैं खुद कर रही हूँ। एरियल यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरा सबसे बेस्ट 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 जो है एक ऑप्शन मैं यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि एरियल जो है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं बस करने लगी हूँ वॉश अपने कपड़े हाथों के साथ। इस तरह के लॉन के जो नाजुक से कपड़े होते हैं तो वो इसी तरह से अपने हाथों के साथ ही वॉश कीजिएगा, और ग्लव्स जो है ना वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको भिगो के, तो बाकी सारे जो है ना मैं अभी काम करूँगी। अभी लंच का टाइम हो गया है, काम करते करते जो है टाइम का पता ही नहीं चलता और जो है इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े भिगो के छोड़ के इसको बाकी सारे जो है ना मैं काम करूँगी, और उसके बाद मैं इनको धो के तो छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं रूम में वापस आ गई हूँ और यहाँ पे हो गया जी लंच टाइम। और लंच में आज है पुलाव बना हुआ है, घर का अचार है, सैलेड है, रायता है और घर की बनी हुई दाल है, जो कि आई एम श्योर कि आप लोग का भी इस वक्त दिल कर रहा होगा खाने का। खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो है ना यहाँ पे खाना लंच टाइम हो गया है ख़त्म, और मैंने बर्तन जो है वो सारे समेट लिए हैं और इनको मैं लेके जा रही हूँ धोने के लिए। और आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पे बर्तन होंगे वॉश और फिर उसके बाद बाकी सफाइयाँ होंगी। बेबी को मैंने जो है वो सुला दिया है, तो यहाँ पे बर्तन हो गए हैं वॉश और यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख लिए हैं। बाद में जब ये ड्राई हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे जाएंगे। चूल्हा भी मैंने कर लिया है साफ। और जनाब यहाँ पे हो गया है टाइम झाड़ू देने का, तो मैं अभी देने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू के बाद यहाँ पे मैं दूंगी टाकी, और टाकी ये पुराने स्टाइल में दूंगी क्योंकि ये मेरी सास की जो है ना इस तरह की टाकी कहती है, सफाई अच्छे से होती है, तो फिर उनका एहतराम करते हुए मैं भी इसी तरह से ही करूँगी। और यहाँ पे मैं डेटॉल का जो है वो यूज़ कर रही हूँ रोज़ में, जो कि इट स्मेल्स अमेजिंग, तो आप लोग भी मंगवाइए। और यहाँ पे सहन की सफाई, किचन आप लोगों ने देख लिया साफ हो चुका है, और अब ये हो गया है जी सहन बिल्कुल क्लीन, मैंने धो दिया है। तो बस सारा दिन यही होता है, घर के कामों में ही सारा दिन गुजर जाता है। और यहाँ पे मैं फिर आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने ये टेरेस भी मैंने साफ़ कर लिया है, धो दिया है, कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए हैं और मैंने यहाँ पे हैंग कर लिए हैं। तो बस अभी ये होंगे ड्राई और अभी बेबी भी बस सो के उठने ही वाला होगा। तो सारा दिन बस एक्सरसाइज इसी तरह से होती रहती है, कामों में बंदा बिज़ी हो जाता है। और जनाब यहाँ पे मैंने फ्रूट वॉश कर लिए हैं, और फ्रूट की ये छोटी सी बास्केट आप देख रहे हैं जिसमें जो है ना 4 कीनू और 3 अदद सेब और 4-5 अमरूद हैं, और ये जी आए हैं 700 रुपए के। तो प्लीज़ इस तरह ना करें, बहुत महंगाई हो गई है और क्या करें इंसान। तो यहाँ पे हो गई है जनाब रात का टाइम और आई एम इन माय फेवरेट पीजेज और फाइनली आई एम ऑफ टू बेड। यहाँ पे मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बनाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।